भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे जनपद में 1 नवंबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 नवंबर से मतदाता जागरूकता और पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत जनपद में एक नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसमें जो लोग 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो जाएंगे वह नए वोटर बनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से तथा फिजिकल फॉर्म के माध्यम से अपना आवेदन कर दें। इस दौरान 1 नवंबर को सभी बूथों पर BLO मौजूद रहेंगे, वहां जाकर नए मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा लें। भारत निर्वाचन आयोग नए युवा वोटरों को विशेष ID कार्ड जारी करेगा और इन्हें निर्वाचक अग्रदूत मानते हुए निर्वाचन आयोग इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए प्रचार प्रसार भी इनके द्वारा करवाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी DO, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें जनपद गोरखपुर भी सम्मिलित है, 1 नवंबर से मतदाता सूची की पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया है। हमने गोरखपुर में एक नई योजना प्रस्तावित की है कि ऐसे सभी लोग जो 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो जाएंगे, 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो जाएंगे, वो हमारे नए वोटर होंगे जो पहली बार वोटर बन रहे होंगे। तो ऐसे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो आज से ही प्रारंभ कर दें और 1 तारीख तक ऐसे सभी लोग NVSP नेट नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से या फिजिकल फॉर्म के माध्यम से अपना आवेदन कर दें। ऐसे सभी लोगों को हम लोग निर्वाचक अग्रदूत के रूप में मान्यता देंगे, उनको ID कार्ड जारी करेंगे और उनको हम अपना एक अम्बेसडर मानेंगे और उनके माध्यम से लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे। एक बार पुनः सबको सूचित करना है कि 1 नवंबर से जो आपकी विधानसभा है उसकी निर्वाचक नामावली में नाम जुड़ने का, नाम घटाने का, नाम संशोधन का, जिसको हम वोटर कार्ड बनने का अभियान कहते हैं, वो शुरू हो गया है। BLO आपके बूथ पर मिलेंगे, पदाभीत अधिकारी आपके बूथ पर मिलेंगे। कृपया आप 1 तारीख से ही प्रारंभ कर दें और 1 तारीख से जितनी जल्दी आप अपना नाम जुड़वा लेंगे उतनी जल्दी आपको वोटर कार्ड मिल जाएगा। धन्यवाद।